नमस्कार जी, मैं हरपाल सिंह फोराजन कंपनी की ओर से सभी किसान दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज हम हरियाणा प्रदेश के फतेहाबाद ज़िले के गांव कुकड़ावाली में महावीर जी सनोप श्री गंगाराम जी के खेत में पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने खेत के अंदर फोराजन कंपनी का रोबोस्ट मक्का लगा रखा है, जो हम आपको दिखाएंगे। ये जो इस एरिए के सबसे अग्रणी किसान हैं, जो कम से कम 100 एकड़ के अंदर खेती करते हैं, हर नई चीज़ के बारे में ये इंटरेस्टेड भी हैं। और अब की बार क्या था कि ये किसान भाई हमारे बाज़ार के अंदर गए तो इनकी कन्फ्यूजन थी कि मैं चारे के लिए और अचार के लिए, दोनों पर्पज़ के लिए बिजाई को लेके कन्फ्यूज़ थे। तब इनको जब ऐसे पता लगा कि रोबोस्ट एक ऐसा मक्का है जो आप चारे में भी काम ले सकते हैं, अचार में भी काम ले सकते हैं और इसको पकाने के रूप में भी काम ले सकते हैं। तो ये जो मक्का है, ये मक्का सबसे जल्दी तैयार होने वाला है। बाकी इस मक्के के बारे में क्या तजुर्बा रहा है तो हम किसान भाई से पूछेंगे। तो महावीर जी नमस्कार। नमस्कार। तो महावीर जी, आप कितने सालों से मक्का लगा रहे हैं? लगभग 10 साल से लगा रहे हैं। इन 10 सालों के दौरान आपने अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रकार की किस्में लगाई है, उनमें और इनमें आपको क्या अंतर लगा? ये बढ़िया है जी, उन सभी बीजों से। ये फोराजन का रोबस्ट है, ये एक तो बटवार ज़्यादा लेता है जी। ठीक है जी। और पशु इसको खाते भी बड़े शौक से है, और साइलेज में इसका वजन भी दूसरे से ज़्यादा है जी। हाइट भी लगभग 12-12.5 फुट के नज़दीक कर रखी है। ठीक है। और थोड़े दिनों में ये तैयार हो गया जी। ये लगभग कितने दिन की वैरायटी? ये लगभग है जी 55-60 दिन की। 55-60 दिन की ये वैरायटी। तो इनमें आज इनका जो काम चल रहा है, साथ ही साथ इनका आज अचार बन रहा है, तो अचार मेन साइलेज तैयार हो रहा है। तो इस साइलेज जो तैयार हो रहा है, तो इसके साथ जो मशीन संचालक हैं हमारे सरदार जी आए हुए हैं, तो सरदार जी जो आए हुए हैं इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इन्होंने आज तक कम से कम ये सीजन के अंदर 200-300 एकड़ का साइलेज तैयार करते हैं, उनमें और इसमें क्या फ़र्क रहता है, तो हम सरदार जी से बात करेंगे। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सिंह साहब, आप जो इतने एरिया के अंदर ये साइलेज की जो आपकी मशीन है जो चल रही है, और आप आज यहाँ महावीर जी के खेत में खड़े हो कुकड़ावाली गांव के अंदर, तो इसमें जो आपको क्या अलग लगा अन्य लोगों के मुकाबले में, इस मक्के में आपको क्या लगा? एक तो इसकी हाइट उनसे ज़्यादा है। ठीक है जी। एक वजन इसमें लगभग 200-250 क्विंटल आराम ना होगा, जो कि आपका आइडिया 250 क्विंटल आराम से है। ठीक है जी। और जो दूसरा होता है, जैसे गर्मी की वजह से उसका वजन है 150 बड़ा मोटा प्लस हुआ है। तो सिंह साहब का कहने का मतलब ये है कि अब की बार जो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो उससे कारण मक्के का उत्पादन कम रहा है, तो उसके मुकाबले कह रहे हैं कि दूसरी कंपनी का जो अभी 150 से ऊपर नहीं जा रहा और ये 200-250 के बीच में रहेगा, ये सिंह साहब का कहने का मतलब है और इनका ये तजुर्बा भी रहा है। तो सिंह साहब, जैसे इन दिनों के अंदर आप मक्के के अंदर साइलेज बनाते हैं, तो नीचे से ये देखो, ये नीचे से लेके ऊपर तक खड़ा है ये चारा, उसका मतलब पीला पड़ना से शुरू हो जाता है, बाकी ये ऊपर से लेके नीचे तक सारी हरी पड़ी है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो आप इन सिंह साहब ने जो यहाँ मशीन ला रखी है, वो मशीन क्या, वही हम दिखाएंगे आपको अभी लाइव जो अभी चल रहा है, और हमारा जो साइलेज वगैरह वो तैयार हो रहा है, तो एक बार आप है, ये 11.5 फीट इस मक्के की हाइट चली गई है, जो कि ये 55-60 दिन का मक्का हुआ है। तो इसमें महावीर जी, आप अपने किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहूँगा जी, ये फोराजन का रोबस्ट बिजाई करें। ठीक है, धन्यवाद जी।